देश के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को अपने आशियाने का सपना पूरा हो, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की लापरवाही से न सिर्फ हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल रहा है, बल्कि शासन की मंशा पर भी पलीता लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मंडला जिले में देखने को मिला। मंडला जिले के विकासखंड नैनपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिंडरी में सचिव और रोजगार सहायक की लापरवाही के कारण एक गरीब परिवार त्रिपाल तान कर रहने को मजबूर है। पिंडरई ग्राम के रहने वाले मनीष नंदा ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा करते हुए बताया कि सचिव, रोजगार सहायक और वार्ड मेंबर ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में नाम शामिल है और जल्द ही पहली किस्त मिल जाएगी, जिसके चलते उन्होंने पत्नी के जेवर और कुछ कर्ज लेकर काम मकान का शुरू कर दिया, लेकिन अब उन्हें पहली किस्त नहीं मिली है। नाम सर मनीष नंदा है, पिंडरई से, पिंडरई का रहने वाला हूं मैं, तहसील नैनपुर फंसती है। समस्या क्या आ गई आपको? समस्या ये है कि मैं तीन साल पहले बाढ़ आया था, जब मेरा मकान गिरा है, तब से मैं ऐसी झोपड़िया में रह रहा हूँ कि देखने से भी देखने बदतर स्थिति खराब है कहना चाहिए। और जब मेरा नाम आया गया तो चुनाव के 15 दिन पहले मेरी फार्मेलिटी लेके चली गई। किस बात की फार्मेलिटी थी? कि तुम्हारा पैसा आने वाला है, ये जो नाम आया है बोले पीएम आवास का, उसका पैसा आ गया है बोले, तुम अपनी फार्मेलिटी दे दो। कौन बोला? सचिव आया और एक मेंबर आया, तो मैंने दे दिया। अब मैंने कहा बरसात लग जाएगी अब भी, तो यहाँ फाउंडेशन बनाना नामुमकिन होगा, तो मैंने अपनी बीवी के जेवर बेच के पूरे और ये फाउंडेशन कसा, उसके बावजूद मेरा नाम नहीं आया। और जो पहले से नहीं आया है उसका पहले नाम आ रहा है और पैसा आ रहा है, जिसकी रहने की व्यवस्था है, और मेरी रहने की व्यवस्था नहीं है, मेरा दावा दिया गया है। तो आप अभी कैसी किस कंडीशन में रह? मैं बहुत ख़राब कंडीशन में रह पा रहा हूँ कहना चाहिए। ये जब भी पानी गिरता है ये नाले का पानी मेरे घर में सीधा आता है और सीधा मेरे घर में भरता है। तो इसकी शिकायत पंचायत में की? इसकी शिकायत मैंने सबको गुहार लगाई, सबको बोला गया बस हो जाएगा बस। ये मेरे पास और तो और राशन कार्ड तक नहीं है। तो नहीं, क्यों नहीं बना रहे हैं राशन कार्ड? ये सारी चीज़ें के लिए बोल बोल के थक गया सर मैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही, बस यही सुनने को मिलता है कि हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि अपने हक का जो है मेरा वो मिलना चाहिए। हाँ, क्या नाम भैया? दुर्गेश नंदा, ग्राम पंचायत पिंडरई, तहसील नैनपुर से हूँ, जिला मंडला, वार्ड नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे जो जियो टैग कर रहा है तो वो कौन है? वो यहाँ जो भी मकान बन रहे हैं अभी आवास वाले जो बने हैं उनकी फ़ोटो सुधीर नामदेव खींचता है। तो वो है क्या वो पंचायत में? वो पंचायत में पंचायत ही का काम करता है। नहीं तो वो ये तो रोजगार सहायक का काम है जियो टैग करने का, फिर वो सुनील नामदेव कौन है? सुधीर नामदेव कौन है? तो ये मेंबर है। मेंबर है अभी? तो मेंबर रोजगार सहायक का काम कैसे कर रहा है? अब उस रोजगार सहायक बताएगा क्यों कर रहा है, उससे करवा रहा है कि कर रहा है। अच्छा, तो सभी जगह वही कर रहा है? हाँ, वो तो जिसके मकान बने हैं वो कोई बता देगा, वही खींचता है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी खींचने? हाँ, इनके बाजू वाले के बने हैं तो खींचा है। अच्छा, तो पंचायत वाले कुछ नहीं ऑब्जेक्शन नहीं देते? कुछ नहीं, पंचायत कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पूरा काम वही करता है। अच्छा, वार्ड मेंबर रोजगार सहायक का काम कर रहा है? हाँ, फोटो वही खींचता है। ठीक है। पप्पू नंदा। कौन से ग्राम पंचायत से? ये पिंडरई से। अच्छा, आपके यहाँ फोटो खींचने कौन आता है? वो सुधीर नामदेव आया था हमारे यहाँ। तो रोजगार सहायक नहीं आता है? रोजगार सहायक तो नहीं आया, फोटो वोटो तो वही खींचता था आके। अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी सैंक्शन हुआ पीएम आवास, उसका भी जियो टैग वही किया? हाँ, वही किया। तो वो है क्या? वो ये तो पंच है। वो पंच रोजगार सहायक का काम कैसे कर सकता है? फिलहाल देखना होगा कि बारिश के बीच परेशान हो रहे गरीब परिवार को आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब तक मिलती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।